यूडीएलएफ बीवी के 545 सदस्य हैं। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है और इस पहल से अलग अलग तरह की किताबों तक पाठकों की पहुंच और आसान हो गई है। इस मौके पर हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने बस लाइब्रेरी में पहुंचकर पाठकों से बात की, देखिए। काशी तमिल संगमम का एक बड़ा पार्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बस लगा रखी है। एक छात्रा हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, ये लाइब्रेरी बस से आप लोगों को क्या फायदा लग रहा है? काशी तमिल संगमम चूंकि चल रहा है, यहाँ पे अनेक प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, कुछ मोटिवेशंस हमें दे रही हैं, कुछ हमें देश के बारे में समझा रही हैं, तो यहाँ पे छात्राओं को बहुत तरीके के लाभ हैं। यहाँ पे हम अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। काशी तमिल संगमम के तहत ये लाइब्रेरी बस लगाई गई है, इससे आप शिक्षकों और छात्रों को क्या फायदा देख रहे हैं? बस पर भारतवर्ष के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने देश के बारे में, हर प्रदेश के बारे में सारी किताबें दिखाई दे रही हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, भूमि जहांगीर भाभा हुए, सबके बारे में बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं और उनके बारे में समझ भी रहे हैं। इससे पहली बार हुआ कि लाइब्रेरी खुद बच्चों के पास चल कर आई है। आपको क्या फ़ायदा लग रहा है इस लाइब्रेरी बस से? हम लोग किताब पढ़ते हैं, वो बहुत मतलब यूज़फुल होते हैं, इससे हम इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत नॉलेज भी मिलता है बुक से। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये बस दिखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बुक लेना चाहिए। बस का मकसद है, लाइब्रेरी बस का, कि जिसको दिख जाए, पढ़ने का शौक हो तो वो आके किताबें देख सके, खरीद सके। काशी तमिल संगमम की तरफ से ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक अनुपम भेंट है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और वहीं दिसंबर महीना लगभग